हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये नोवेम ई स्पोर्ट्स का स्क्रीम से, और आपको ये वीडियो में सोल के आज के कुछ अच्छे फाइट देखने को मिलने वाले हैं। एंड टीम सोल आज ये स्क्रीम्स खेली थी, एंड ये आज का ये जो भी फाइट आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ओमेगा, नियो, हेक्टर साथ में खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं आपको। एंड अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। ऑफिशियल्स हिल अप करते हुए देखने मिल जाएंगे, रॉबिन देखने को मिल जाने वाले सामने सामने। यहाँ पर रॉबिन अगर 1v2 करना पड़ेगा, जंप यहाँ पर कर दिया गया रॉबिन के साथ एक 1v1। चलिए इस बीच बात करें, बेहतर निकालते हुए यहाँ पर आयु देखने मिल जाने वाले, फिनिश भी लेते हुए देखने मिल जाएंगे। हाइड्रो ऑफिशियल्स का एलिमिनेशन भी देखने को मिल जाने वाला है, साथ ही साथ में ग्लोबल बात करें फॉर द टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स, एंड कहीं ना कहीं ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स यहाँ पे टीम सोल के काफी ज्यादा इर्द गिर्द में रोटेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। स्पॉट जरूर कर लिया होगा खिलाड़ी को, आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिल जाने वाले। ओमेगा काफी हद तक क्लोज है, ओमेगा वर्सेस चीकू यहाँ पर होता नजर आएगा। एक अच्छा शॉट आया, एक और प्लेयर आते हुए नजर आएगा, और 1v2 यहाँ पर देखने को मिल चुका है। बट तीसरा खिलाड़ी फियरलेस यहाँ पर आया, जो कि ओमेगा को टेक डाउन करता हुआ नजर आएगा। बैकअप कब आएगा, बैकअप की बहुत ज्यादा नीड यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली। कहीं ना कहीं ग्लो यहाँ पर एलिमिनेशन भी ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स का होता हुआ नजर आ सकता है। माइटी आगे बढ़ते हुए जंप एंड पंच, बट रुद को देखना पड़ेगा, रुद यहाँ पर वेट करते हुए नजर आएंगे जरूर। यहाँ पर माइटी स्पॉट किया, पहले टेक डाउन किया यहाँ पर फियरलेस नजर आ सर्वाइविंग माइटी के साथ, बट माइटी 1v2 यहाँ पर करते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। काफी ज्यादा काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट ओमेगा पीछे से आते हुए नजर आ रहा है, रेविनेंट डिस्कोर्स को प्रेशर देंगे। चलिए बोस को कर दिया यहाँ पे टेक डाउन, पैराडॉक्स को भी स्पॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्प्रे दिया जरूर, बट कनेक्शन अभी कर मिला नहीं। हेक्टर यहाँ पे टॉप डॉग को स्पॉट करेंगे, लुक एट द स्प्रे बाय हेक्टर, काफी अच्छा। यहाँ पे टॉप डॉग को भी टेक डाउन करते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं, एंड अभी के लिए कुछ अच्छे कनेक्शन के थ्रू एलिमिनेट करना चाहेंगे। बोस का भी टेक डाउन होता हुआ, रावण एंड पैराडॉक्स लास्ट टू मैन सर्वाइविंग। चलिए यहाँ पर रावण अलग फाइट ले रहे हैं यहाँ पर, एंड असवितार के साथ 1v1। चलिए वो भी खोते हुए नजर आ जाएंगे, तो यानी कि पैराडॉक्स इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग राइट नाउ। ओमेगा को यहाँ पर स्पॉट करते हुए देखने मिल जाने वाले, ओमेगा पूरे तरीके से बेटर एडवांटेज देखने मिलेंगे। सवितार को भी कर दिया टेक डाउन, रावण के ग्रेनेड से अभी हो चुके टेक डाउन, एंड क्लच गार्ड वहां पर गैलेक्सी रोटेशन देती नजर आ रही है। वैक्सी को स्पॉट किया यहाँ पर स्पेस देते हुए जरूर नजर आए, बट अभी के लिए कनेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चैशन यहाँ पर हैक्टर को टेकडाउन करेंगे, माइटी यहाँ पर चैशन को टेकडाउन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट होती नजर आ रही है सर्कल के बाहर की, चलिए टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है टीम अभी। ओमेगा इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग राइट नाउ, कहीं ना कहीं अब फाइट में एंगेजमेंट जरूर चाहती हुई नजर आई है। INS आगे बढ़ती नजर आ रही है, अगर खेल फील्ड रीड किया होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिल जाने वाले, एंड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश करते हुए देखने मिल जाएंगे यहाँ पर, फायदा लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आएंगे। ओमेगा हेक्टर द लास्ट टू मैन सर्वाइविंग, माइटी को क्या रिवाइवल मिल जाएगा। चलिए माइटी को भी रिवाइवल मिल चुका है, सर्कल के अंदर मूविंग करना है। चौथा सर्कल है, 17 मिनट हो चुके हैं। कैसे आगे ले जाते हुए नजर आएंगे, खिलाड़ी के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ड्यूज यहाँ पर आ चुके हैं, ड्यूज का यहाँ पर टेकडाउन होते हुए नजर आएंगे, एंड चलिए ड्यूज का टेकडाउन होता हुआ माइटी करते हुए नजर आएंगे। इमॉर्टल यहाँ पे बचते हुए देखने मिल जाने वाले, इमॉर्टल के ऊपर ग्रेनेड आएगा, जी नहीं उससे पहले न्यू आगे बढ़ेंगे, हेक्टर आगे बढ़ेंगे। एक 1v3 सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन, एज अ रिजल्ट उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पंक यहाँ पर आपको फाइट लेते हुए देखने को मिल जाने वाला है, एंड वो फाइट वहां पर एंगेज होती नजर आएगी इम्प्रिंट ईस्पोर्ट्स के साथ। यहाँ पर निकलते हुए और कोई डिसीजन नहीं बचा, VR1 को यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट इम्प्रिंट ईस्पोर्ट्स वर्सेस टीम एक्सिस पार्क या टीम VST देखने को मिल जाने वाले काफी बेहतरीन तरीके से। सोल हेक्टर का टेक डाउन होना, एक्स असला यहाँ पर आते हुए देखने मिल जाएंगे। सोल हेक्टर यहाँ पर टेक डाउन, चलिए एलिमिनेशन हो चुका है। ओमेगा का भी एलिमिनेशन होता हुआ नजर आ जाएगा, टेक डाउन हो चुके हैं। माइटी एंड नियो देखने मिल जाएंगे, माइटी के ग्रेनेड्स का कनेक्शन दिला पाएंगे एक्स असला के दो खिलाड़ी यहाँ पर, जेविद कैंडी, IGL एंड क्लाउड फाइटिंग गेमिंग देखने को मिल जाने वाला है। टीम सोल यहाँ पर ओमेगा को रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, माइटी एंड नियो अलग एंगल पे देखने मिल जाएंगे। मुझे IGL को स्पॉट करेंगे, स्प्रेस देंगे, टेक डाउन, चलिए एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। नियो ने वहां पर एलिमिनेट किया एंड माइटी ने यहाँ पर एलिमिनेट किया। ओमेगा को टच करना है, चलिए ओमेगा को रिवाइवल मिल जाएगा 7 फिनिशेस के साथ टीम सोल। चलिए इस मुकाबले फेनिक्स को स्पॉट भी कर लिए हैं, फेनिक्स यहाँ पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। चलिए ग्रेनेड गया बट डैमेज नहीं मिलता हुआ नजर आएगा, स्पॉट करते हुए FPP में स्विच किया, प्रोटेक्टेड डिस्प्ले देते हुए नजर आ रहे हैं। चीकू रुद को रिवाइव भी नहीं देते हुए नजर आएंगे, एंड अब चलिए रिवाइव देते हुए नजर आ रहे हैं। फेनिक्स इसी चीज का तो वेट कर रहे थे, नहीं डिसंगेज करने का वेट कर रहे थे, डिसंगेज करके आगे निकलते हुए नजर आएंगे। टीम सोल यहाँ पर अपने आपको फाइट में एंगेज करते हुए देखने मिल जाने वाली है। नीचे से आ रही थी टीम फ्रॉस्टी, स्पॉट किया खिलाड़ी को यहाँ पे, फ्रॉस्टी आखिरी खिलाड़ी देखने को मिल जाने वाला है, एंड कहीं ना कहीं टीम सोल और फिनिश लेना चाहेगी। ग्रेनेड मुझे लगता है माइटी का एक अच्छा ग्रेनेड जा सकता है यहाँ पर, कया जरूर है, बट टेक डाउन नहीं कर पाया, एंड कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा दुख होगा। हेक्टर का एलिमिनेशन ऑलरेडी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल चुका है, 8 फिनिशेस टीम सोल के पास देखने को मिल जाने वाले हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर देखने मिल जाएगा, काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। कहीं ना कहीं वी आर वेरी क्लोज टू हिट 500 लाइक्स, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। ओमेगा यहाँ पर नीचे चले गए,
कहीं ना कहीं क्या ओमेगा अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। जी हाँ, फ्रॉस्टी को स्पॉट किया, चलिए एलिमिनेट कर दिया, बट इनके प्लेयर्स को इनकी नीड है क्योंकि यहाँ पर स्लैमिन आ चुका है। टीम वेस्ट यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आएगी, पुकार के ऊपर एक ग्रेनेड जाते हुए देखने मिल जाने वाले, कोई भी डैमेज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीम सोल थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी, माइटी के ग्रेनेड, सारंग यहाँ पर ऑफ एंगल, चलिए यहाँ पे फियर्स का ग्रेनेड माइटी को टेक डाउन करता हुआ नजर आएगा। नियो यहाँ पर नीचे चले गए हैं एंड ओमेगा यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बीस्ट स्पॉट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। चलिए टीम सोल का एलिमिनेशन, यहाँ पे क्लच गॉड को स्पॉट किया, यहाँ पे बीस ने लुक एट द स्प्रे टेक डाउन करते हुए देखने मिल जाएंगे। 8 बिट वर्सेस टीम कॉड लाइक स्पोर्ट्स यहाँ पर होता हुआ देखने मिल जाने वाला है। क्लच गॉड यहाँ पर टेक डाउन देखने मिल जाएंगे, चौनी एक अलग एंगल क्रिएट करने के लिए निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ में उनके साथ आगे बढ़ते हुए देखने मिल जाने वाले नियोजी गॉड यहाँ पर रिवाइवल देते हुए देखने मिल जाएंगे। अलग एंगल निकालना चाहते हैं पर टीम 8 बिट एक भी प्लेयर खो ही नहीं है इस फाइट में, एंड नहीं चलिए फियरलेस को खो चुके हैं, वो इनिशियल फाइट में ही खोते हुए देखने मिल जाने वाला है। टीम सोल के साथ जो फाइट हुई एक भी प्लेयर को खोते हुए नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं अभी के लिए फायदा बनता हुआ नजर आ जाएगा। 15 नजर आ चुके 8 बिट वर्सेस गॉड लाइक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्लच गॉड देखने मिल जाने वाले, बीस्ट यहाँ पर एक अच्छा एंगल्स पे देखने मिल जाएंगे, एंड अल्ट्रॉन एक अच्छा एंगल्स बोल करते हुए, चलिए यहाँ पर जॉनी को स्पॉट किया, स्प्रे दिया यहाँ पर काफी कम एचपी, अल्ट्रॉन के ग्रेनेड यहाँ पर जॉनी को टेक डाउन करते हुए नजर आ चुका है। एंड अब इस बीच अगर बात की जाए एक और खिलाड़ी फ्रॉम द टीम गॉड लाइक स्पोर्ट्स टेक डाउन हो चुके हैं, दो प्लेयर तीन प्लेयर टेक डाउन हो जाएंगे। नियो इस लास्ट में सर्वाइविंग आगे बढ़ते नजर आएगा, अल्ट्रॉन के साथ फाइट, चलिए सेव ईयर यहाँ पर बनते हुए नजर आए। अदरवाइज 8 बिट ने बहुत बेहतरीन फाइट यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर फाइट को एंगेज भी किया था, बट चलिए यहाँ पर बचते हुए नजर आए वरना गॉड। तो कैसे लगा आपको सोल का ये आज का फाइट मुझे कमेंट करके बताना है, एंड अगर आपने सोल हेक्टर का सोलो तोड़फोड़ नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो जहाँ पे हेक्टर ने सोलो 12 किल निकाला था स्क्रिम्स में। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।